Hi guys, I'm Neha. Welcome back to Swaha Vlog and welcome back to another weekly video. हम किसी काम से सिलवासा आए हुए हैं और अभी मैं आपको बताऊँ तो हम आए हैं थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में, मतलब अभी पैंडेमिक का ही टाइम है. तो हम यहाँ पे रुके हैं वीट्स कामत होटल में. तो आज के वीडियो में हम ये होटल टूर करेंगे. और गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, अभी अक्टूबर महीना है और अभी भी पैंडेमिक है, तो हम ऐसे कुछ काम से आए थे जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते थे. तो होटल में कुछ कुछ जगह बंद है ड्यू टू गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, तो आप ये वीडियो को उस हिसाब से जज कीजिएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आइए चलते हैं रिसेप्शन पे. तो डीलक्स रूम में एंटर होते ही राइट हैंड साइड पे है बाथरूम. और लेफ्ट हैंड साइड पे है वार्डरोब. और वार्डरोब के बाजू में ही सूटकेस रखने के लिए स्पेस दिया गया है. और ये है टीवी. और आइए देखते हैं रूम. सामने है स्टडी टेबल, टेबल एंड चेयर. और ये भी रिवर्स साइड फेसिंग ही है. इसका बालकनी काफी बड़ा है. ये है उसका बालकनी. जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक बालकनी में क्लोथ ड्राइंग रैक है. और यहाँ से भी रिवर दिखता है. और ये देखिए, नीचे जो उनका लॉन एरिया है वो भी काफी नजदीक से दिखता है. से 5-6 लोग बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, इतना बड़ा इसका बालकनी का स्पेस है. रूम साइज थोड़ा छोटा है बट फिर भी बहुत ही स्पेशियस है. तो अभी हमने देख लिया डीलक्स रूम, अभी चलिए देखते हैं सुपर डीलक्स और सूट रूम. लेट्स गो अपस्टेयर. सो आई एम ऑन थर्ड फ्लोर. अभी मैं आपको सूट रूम दिखाऊंगी, उसके बाद हम देखेंगे सुपर डीलक्स रूम. लेट्स गो. ये है सूट रूम. तो यहाँ पे है ड्रेसिंग टेबल और शू रैक है. और इस तरफ है केटल और कॉफी के लिए सब रखा हुआ है. और ये है फ्रिज छोटा सा. ये सिटिंग एरिया है जिसमें 4-seater सोफा है. ये है एक्चुअल व्यू. जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, ये पीछे जो है वो है दमनगंगा रिवर. लेट मी शो यू. और यहाँ से बालकनी है और बालकनी से बहुत ही अच्छा व्यू आता है. तो ये है दमनगंगा रिवर और एग्जिट उसके ऑपोजिट आपको ये रूम मिलेगा. शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमोस्फियर रहता है.
आइए चलिए अंदर चलते। यहाँ पे है बाथरूम, और ये है बेडरूम। आप देखिए कितना स्पेशियस है और यहाँ पे टेलीविजन है, बहुत ही बड़ा फुल लेंथ मिरर है। और ये रहा वार्डरोब और टीवी के बाजू में ही स्टडी टेबल है। यहाँ पे जो आपको डोर दिख रहा है वो बाथरूम के साथ कनेक्ट करता है, जो हमने अभी आपको दिखाया। ये रूम में भी बालकनी है रिवर्स साइड फेसिंग, जो हमने आपको अगली बालकनी दिखाई सेम साइज की है और दोनों रिवर्स साइड फेसिंग है। तो अभी आपने देखा सूट रूम, अभी मैं आपको इसके नेक्स्ट में है सुपर डिलक्स रूम वो दिखाती हूँ। कम ऑन एयर। तो ये है सुपर डिलक्स रूम, जिसमें एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे है कपबर्ड, यहाँ पे ये वार्डरोब दिया गया है, काफी स्पेसियस है। और इसके लेफ्ट साइड है बाथरूम। ये वार्डरोब के बाजू में ही एक स्पेस दी गई है जहाँ पे आप सबके सूटकेस रख सकते हो। और इसके राइट हैंड साइड में कॉफी के लिए सब रखा गया है। और यहाँ पे है फुल लेंथ मिरर और इसके बाजू में है टीवी। और ये देखिए ये है रूम, मैं बाद में आपको बालकनी दिखाती हूँ, पहले आप ये रूम देख लीजिए, काफी स्पेसियस रूम है। ये है स्टडी टेबल और आप देखिए बेड के तीनों साइड काफी ज्यादा स्पेस है, तो अगर आप फैमिली के साथ आए तो आपको बिल्कुल ही कंजेस्टेड नहीं लगेगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाल। तो सुपर डिलक्स रूम में भी जो बालकनी है वो रिवर साइड फेसिंग है, तो इसलिए आपका बहुत अच्छा टाइम पास हो जाएगा। हर एक रूम की बालकनी में उन्होंने क्लोथ ड्राइंग रैक दिया हुआ है, तो जैसे आप कभी स्विमिंग पूल में जाए और आपको आके कपड़े सुखाने, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोविजन किया हुआ है। तो इसके सामने जो रूम है वो भी सुपर डिलक्स ही है, बट उसमें जो व्यू है वो पार्किंग साइड है, मतलब उसका बालकनी है वो पार्किंग साइड खुलता है। यहाँ पे दो हॉल भी है, एक हॉल है जिसका कैपेसिटी है 70 पैक्स और दूसरा है 250 पैक्स। ये है क्रिस्टल हॉल, अभी कोविड की वजह से ये बंद है। और ये होटल में बहुत सारे डेस्टिनेशन वेडिंग भी होते हैं, उसकी भी मैं डिटेल हो सका तो आपको प्रोवाइड करूंगी। तो अभी आपने देख लिया डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम और सूट रूम। ये पूरी प्रॉपर्टी में 3 सूट रूम है
और इसमें 3 फ्लोरी रूम्स है, तो हर एक फ्लोर पे एक एक सूट रूम है, तो टोटल 3 सूट रूम हुए, 39 सुपर डिलक्स रूम है और 32 डिलक्स रूम है। इसके सिवा यहाँ पे 2 हॉल और जो बाहर का पार्टी एरिया है वो है और 2 रेस्टोरेंट है। और ये जो है वो उनका वेज रेस्टोरेंट है, नॉनवेज भी मिलता है यहाँ पे, जिसका नाम है कामतनी वाड़ी। अभी पेंडेमिक का टाइम है तो दे आर मेजरिंग टेम्परेचर और सैनिटाइजर भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये पार्ट और बीच का जो पार्ट है वो नॉन एसी है। यहाँ कामत की कुछ फूड आइटम है वो आप चाहे तो परचेस कर सकते हैं। और ये रिवर साइड फेसिंग रेस्टोरेंट है। और ये सिटिंग एरिया के एग्जिट बाजू में ये जो दिख रहा है वहाँ पे कुछ स्मॉल गैदरिंग करना हो या बर्थडे पार्टी उसके लिए है ये। रिसोर्ट की एंट्री के बाजू में ही अर्बन ढाबा करके उनका ओपन रिवर साइड फेसिंग रेस्टोरेंट है। बस शाम के टाइम पे यहाँ पे टेबल लगा के ओपन रेस्टोरेंट बना देते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन प्ले एरिया है तो अगर आपने कोई पार्टी कुछ करना हो तो भी बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा यहाँ पे। और सामने जो आप ये देख रहे हैं वहाँ पे उनका ओपन किचन के लिए वो स्पेस यूज करते हैं और इसके बाजू में ही रिवर है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम तो यहाँ पे 1 वीक जितना रुके तो हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा रूम भी रिवर साइड फेसिंग था तो हमारा अच्छा खासा टाइम पास हो गया। और एवरी टाइम वी वॉन्ट टू कीप द कर्टन ओपन क्योंकि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। तो आप कभी सिलवासा आए तो आप ये होटल को कंसिडर कर सकते हैं। फूड हमें बहुत ही अच्छा लगा, मैं मन से बोल रही हूँ, और स्पेशली आप यहाँ पे आए तो
डोंट फॉरगेट टू ट्राई चीज कॉर्न कबाब विच आई लाइक अ लॉट, और इसके सिवा भी चिकन टिक्का भी अच्छा था। और हमने ना हमारा जो पैकेट था उसमें हमने डिनर इंक्लूडेड लिया था, तो हमने 7 दिन सारी वेराइटी ऑलमोस्ट ट्राई कर ली एंड आई हैव नॉट फाउंड अ सिंगल मिस्टेक। तो फूड इज ऑसम, होटल थोड़ा पुराना है बट अच्छे से मैनेज किया हुआ है, स्टाफ भी बहुत प्रोफेशनल है। तो कभी आप सिलवासा आए तो आप ये होटल को कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप मेरे वीडियो देखते रहिए, बहुत जल्दी हम और वीडियो लेके आएंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। See you next time. Bye bye.